नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के कर्मचारियों को लेकर। आज फिर से हरियाणा के कर्मचारियों ने, कच्चे कर्मचारियों ने पक्का करने के लिए और पंजाब के समान वेतनमान करने के लिए एक बार फिर से मुद्दा बनाया है। आप सभी जानते हैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और इस चुनावी माहौल में सभी कर्मचारी चाह रहे हैं कि वो मौके का लाभ उठाकर अपने इस काम को करा ले। देखिए, उनकी मांग नाजायज़ है या जायज़ है, इसका फैसला हाईकोर्ट करेगी, सरकार करेगी या फिर हरियाणा की जनता करेगी। मैं तो जो न्यूज़ आई आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगा। जहां तक मेरा मानना है, मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, इनकी मांग जो है जायज़ है और हरियाणा सरकार को ये करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसके पीछे क्या कारण है, रीजन्स क्या हैं, मैं नहीं बता सकता। फिर भी इस वीडियो में आज कच्चे कर्मचारियों को लेकर जो न्यूज़ आई उसके बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हरियाणा से संबंधित या हरियाणा से जुड़ी किसी प्रकार की भी आप वीडियो पाना चाहते हैं, न्यू वैकेंसी, पेंडिंग रिजल्ट, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, कोर्ट केस से संबंधित, कच्चे कर्मचारी, पक्के कर्मचारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और पंजाब समान वेतनमान फिर बने मुद्दा। सर्व कर्मचारी संघ अपने 3 दिवसीय सम्मेलन में तैयार करेगा आंदोलन की रणनीति। तो अब आंदोलन करने का विचार जो है कर्मचारी संघ ने कर लिया है। 7वें वेतन आयोग के तहत मिलेगा HRA। कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मसलों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ने की तैयारी कर रहा है। इसकी रणनीति सर्व कर्मचारी संघ के 3 दिवसीय राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में तय की जाएगी। संघ ने इस 15वें सम्मेलन का आयोजन 16 अगस्त को पंचकुला स्थित सर छोटराम जाट भवन में शुरू होगा। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के सबसे बड़े प्रतिनिधि संगठन के इस सम्मेलन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से जुड़े विभागीय यूनियनों, एम एसोसिएशन और जिला एवं खंड कमेटियों के चुने हुए करीब 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का शुभारंभ राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट झंडा फहराकर करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लंबा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री व ऑडिटर सतीश सेट्टी ने बताया कि सम्मेलन में केंद्र एवं राज्य सरकार की जन एवं कर्मचारी मजदूर विरोधी नीति और कच्चे कर्मचारियों पक्का करने, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, पंजाब के समान वेतनमान देने सहित घोषणा पत्र में किए वादों के प्रति सरकार के रवैये की समीक्षा करते हुए आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को CM की अध्यक्षता में सरकार में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बीच संपन्न हुई बैठक में लिए गए कई निर्णयों को मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रेजिडेंसी में अंकित ही नहीं किया गया। तो दोस्तों, यह आरोप जो है बार बार सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लगा रहा है। अब क्या होगा, देखने वाली बात होगी इसको लेकर हरियाणा सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। किसी भी वर्ग को हरियाणा सरकार जो है मायूस नहीं करना चाहती। आज के समय में हरियाणा के अंदर 2 मुद्दे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पंजाब के समान वेतन, और तीसरा EWS को एज रिलैक्सेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें सभी सवर्ण जातियों के लोग आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।